21st सेंचुरी बिजनेस इज अ वेलनेस इंडस्ट्री कहा जाता है, ट्रिलियन डॉलर बिजनेस कहा जाता है, लेकिन ये बिजनेस तो हमने बाहर से सुना था। खुशियाँ स्वस्थ जीवन की खुशियाँ। अगर मैं 56 भोग खाना चाहती हूँ तो मैं 56 भोग खा सकती हूँ, लेकिन उसका सच्ची आस्वाद चाहिए तो मेरे को सोच बदलनी है, मेरे को स्पिरुला लेना। मुझे सोच बदलनी है, मुझे आर्जिजेल लेना है, मुझे सोच बदलनी है, मेरे ब्रांड्स चेंज करने हैं, जिस वजह से आज राजा महाराजा इतना प्राचीन जीवन अच्छी तरह जी पाए। वो प्राचीन जीवन, स्वास्थ्य जीवन मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है? सोच बदलनी है। अगर आप खुद की सोच बदलते हो तो ही आप दूसरे की सोच बदल पा सकते हो, नहीं तो नहीं। स्त्री जेव्हा घरात येते, लग्न होऊन जेव्हा घरात येते तेव्हा ती गौरी असते, तिला पुजली जाते, पण ती जेव्हा उंबरठा ओलांडते तेव्हा मात्र ती अष्टभुजा नारायणी होते। कारण एक काम ठेवलं तर हजार कामं तिच्यासाठी वाट बघत असतात, आणि ह्या कामातून बाहेर पडल्यानंतर तिचं महत्वाचं मोठं काम म्हणजे ती आई होणं, आणि त्याच्यामध्ये अनेक हार्मोनल इम्बॅलन्सला तिला फेस करावं लागतं। ह्या हार्मोनल इम्बॅलन्स साठी तिला शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तयार होणं गरजेचं असतं। पण अन्न काय मिळतं तर पाव किलो आणलेल्या भाजीमध्ये 8 जणांसाठी भाजी शिजवणं आणि त्याच्यामध्ये उरलेलं गेल्या दिवसाचं टाकू नये, कारण मेहनत केलेली असते, पैसाही घातलेला असतो, ते अन्न आपल्या पोटात घालते। अशी भक्कम झालेली स्त्री मला तुम्ही सांगा एका चांगल्या सुदृढ बालकाला जन्म देऊ शकते का? नाही। सुरुवात तिकडूनच होते की जर का आईच भक्कम नसेल तर येणारं बाळ सुद्धा भक्कम नसतं। मग ही जर का आई भक्कम करायची असेल तर आपण एका स्त्रीला एज्युकेट करू शकतो। एक स्त्री एज्युकेट झाली, आपल्या समाजामध्ये सुद्धा म्हटलं जातं जर का एक स्त्री शिकली तर पूर्ण समाज शिकतो, आणि मी तेच करते। मी फक्त बायकांकडे जाऊन त्यांच्या ओट्यापाशी जाते आणि तिला सांगते, तुझ्या घरात जे पदार्थ शिजत आहेत ते प्रयोगशाळेमध्ये तू बायफोगेट करू शकत नाहीये, त्याच्यामधले इव्हॅल्युएट करू शकत नाही की किती विटॅमिन ए, किती विटॅमिन B12 आहे, किती विटॅमिन B6 आहे। कारण तुझ्या मुलाची जर काय आर्थिक स्थिती व्यवस्थित करायची असेल फ्युचरमध्ये तर त्याची आज शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक स्थिती व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे। आणि प्रत्येक स्त्री आज कुटुंबाची काळजी त्या दृष्टीनेच घेत असते की तिचं मूल, तिचं घर हे परिपूर्ण असावं, भविष्यामध्ये त्याला चांगलं उत्तम भवितव्य मिळावं म्हणून ओट्यापाशी जाऊन घेऊ शकते। एक माता, एक आई जर का तुम्ही एज्युकेट केली आणि तिला आर्थिक स्थैर्य दिलं तर आज आपलं आयुष्य कारणी लागलं म्हणून मी म्हणेन। कारण ही स्त्री शेवटी फिरून आपल्यापर्यंतच देत असते, कारण तिने कितीही कमवलं, कितीही काही केलं तर शेवटी ते आपल्या पदरातच येत असतं। त्यामुळे आवर्जून सांगेन, एका आईपर्यंत अन्न पोहोचवा, एका आईपर्यंत अपॉर्च्युनिटी पोहोचवा। एका आईला जर काय तुम्ही सुदृढ करू शकलात, एका आईला जर काय आर्थिक दृष्ट्या सुदृढ करू शकलात तर आज समाज घडवायला वेळ लागणार नाही। जीवन की तीन बच्चे अपने ऋषि मुनि के पास पढ़ाई कर रहे थे। तब ऋषि मुनि ने कहा, आप तीनों बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, आपको बुरा नहीं लग रहा ना मैं स्टोरी बोल रही हूँ तो? ओके, छोटी स्टोरी है। तो तीनों बच्चे की पढ़ाई हो चुकी होती है तो वो ऋषि मुनि कहते हैं कि अभी आप मेरे को गुरु दक्षिणा दीजिए और अपने आप चले जाइए। फिर वो गुरु दक्षिणा में कहते हैं कि 4 दिन मुझे खा पी के यहाँ अच्छा लगे ऐसा कुछ फल, सेब या तो जो भी कंदमूल है वो आप मेरे को लेके आओ। बच्चे जो तीनों थे अच्छे पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे बच्चे थे, तो बोले ठीक है, ऋषि मुनि बोल रहे हैं और गुरु दक्षिणा है तो हमको लेके आना है। वो जंगल में चले गए, हमेशा जैसे जाते थे वैसे जंगल में चले गए। एक बच्चे की आदत थी सबसे अच्छी चीज लेना, सबसे अच्छी चीज लेना। ऋषि मुनि ने कहा था अगर 4 दिन मेरे को जिंदा रहना है तो उस हिसाब से आप फल लेके आओ। तो उन्होंने विचार किया, अगर मैं 4 दिन रहना चाहता हूं इस फलों पे तो मैं कैसे फल खाऊंगा।
तो अच्छे मधुर फल, मीठे फल, अच्छे क्वालिटी के फल, तो वो ढूंढा ढूंढा अच्छे फल एक टोकरी में लेके आया, सबसे बढ़िया फल वो लेके आया। दूसरा वाला था वो बहुत प्रैक्टिकल था, उन्होंने कहा ये बच्चा तो बहुत अच्छे अच्छे फल ढूंढे पूरा जंगल में चला गया है, तो मैं थोड़े सादे वाले फल दूंगा क्योंकि वो फल खा के ही वो समाधान पा जाएंगे, मेरे फल खाने की जरूरत ही ना शायद पड़े। तो उसने अच्छे वाले मीठे खट्टे थोड़े मिक्स करके फल ले लिए। तीसरा बच्चा बहुत होशियार था, बोला ये दोनों इतने मेहनत कर रहे हैं, मैं क्यों मेरी मेहनत फुकट करूं। इससे आजू बाजू का जो भी कचड़ा कूचा था, फल थे, कुछ पत्ते भी वो खाया करते थे, वो सब उठा के उसने थोड़ा मिक्स मिक्स करके एकदम निचले दर्जे का एक पैकेट बना के, एक कटोरा बना के लेके आया। जब ऋषि मुनि ने उनको तीनों को बुलाया तो तीनों अपने कटोरे लेके बैठ गए और उन्होंने अपने एक सेवक को कहा इन तीनों को यहाँ तीन कोठड़ियों में डाल दो और उनके जो कटोरे उनके साथ रख दो, उनको वहां चार दिन गुजारना है, तब वो शिष्य को समझ में आया कि अभी क्या किया मैंने, मैंने वो चीज की कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, मैं खुद के लिए कर रहा हूं वो चीज नहीं की मैंने जो दूसरे के लिए कर रहा हूं। पहला बच्चा तो खुश था क्योंकि उसने बहुत मधुर अच्छे बढ़िया क्वालिटी के फल लाए थे, तो उसका चार दिन तो गुजारा आराम से हो जाएगा। दूसरा वाला तो बहुत प्रैक्टिकल था, दो दिन तो अच्छे निकल जाएंगे, दूसरे दिन दो दिन का क्या, लेकिन तीसरा वाला था उसको तो हड़बड़ा गया। अब तीनों की बारी हो गई, तीनों तीन कोठड़ियों में रह गए, उनके साथ वो कटोरे रख दिए गए। फिर दो दिन के बाद ऋषि मुनि बहुत अच्छे थे, उन्होंने उनको निकाला और पहले वाले को कहा जा तू पास हो गया है, तू अच्छी तरह राज कर सकता है, एक अच्छा व्यावसायिक नहीं एक अच्छा राज्यकर्ता बन सकता है, आपकी वो क्वालिटी है, तो आप अच्छा राज्य करो, एक अच्छा संस्थान आप निभा सकते हो, एक अच्छा राजा आप बन सकते हो, इसलिए आप जा सकते हो। दूसरे को उसने कहा एक आप अच्छा व्यापारी बन सकते हो, क्योंकि उसने क्या विचार किया था 50-50, इसको चाहिए ना चाहिए, देना है ना देना है, इसलिए 50-50 विचार किया था, तो उन्होंने व्यापारी बनाया। लेकिन तीसरे आदमी को आपको बताया उसको क्या बनाया होगा, नहीं, उसको गुरुजी ने कहा आपके विचार बहुत शुद्ध रहे, आपके विचार बहुत शुद्ध रहे, आपको शिक्षा की और जरूरत है, आपको यहीं पे रहना होगा क्योंकि आपको आपका एटीट्यूड चेंज करना है, आपको एजुकेशन की जरूरत है, आपको शिक्षण की जरूरत है, अगर ये विचार लेके आप बाहर जाओगे व्यवहार करोगे तो शायद आप अच्छा व्यवहार नहीं कर पाओगे, इसलिए जो अपने लिए आप खा रहे हो, जो अपने लिए जी रहे हो, वो ही दूसरे के लिए देना शुरू करो। प्रैक्टिकली हम कहते हैं ना कि वाणिज्य कहते हैं कि हम जाके बिजनेस करेंगे, लेकिन उस बिजनेस में भी ऐसा रॉयल बिजनेस करो कि लोग आपको याद रखें, वो भूले नहीं। इतनी क्वालिटी वाली चीज हमारे पास हाथ आई है, जो स्पिरुला है, गैनोडर्मा के सभी बाय प्रोडक्ट्स है, वो सभी चीजें एक उत्तम दर्जा की है जो हम खुद यूज करते हैं और दूसरों तक हमको पहुंचाना है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, हमारे हाथ की अपॉर्चुनिटी।